baby. Sunani lately, shkundi mush bomb. हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कुमार, इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेक सपोर्ट आशीष में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिग बाजार में ऑनलाइन जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने से फायदा क्या होता है। अब मान लो आप रिज्यूम लेकर कोई भी बिग बाजार में जाते हो, वहां के एचआर से मिलते हो, ठीक है, तो वो एचआर क्या करते हैं, आपका रिज्यूम तो ले लेते हैं, लेकिन यहाँ बहुत सारे बिग बाजार के ऐसे एचआर होते हैं जो आपका रिज्यूम ले लेंगे लेकिन उसको साइड में फेंक देंगे या फिर साइड में कोने में फेंक देंगे या फिर रख देंगे। लेकिन अगर आप बिग बाजार के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर कोई भी कंपनी हो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो भाई देखो ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने के लिए वहां का अलग एक स्टाफ बैठा रहता है और वो आपको जिस लोकेशन पे आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे वहां पे इंटरव्यू के लिए आपको डेफिनेटली 110% भेजता है। तो बेसिकली भैया आज के इस वीडियो में मैंने आपको सारा फुल डिटेल बताया। थोड़ी बहुत वीडियो लॉन्ग हो सकती है तो बिल्कुल यार आप लोग मैनेज कर लेना क्योंकि आप लोग के लिए है वीडियो। तो हाँ एक चीज बोल देना चाहूंगा, वीडियो देखते हुए आप मुझसे आज लाइव भी बात कर सकते हो क्योंकि भैया ये प्रीमियर शो होने वाला है जो कि यूट्यूब का एक नया फीचर है। तो बेसिकली ये वीडियो देखते हुए भी आप मुझसे लाइव बात कर सकते हो, इसके लिए आप लोग का कुछ भी क्वेरी हो आप मुझसे लाइव बात कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों ज्यादा बातों में टाइम नहीं करूंगा और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है नीचे दिए लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र खोल लेना या फिर लैपटॉप पीसी जहां आपको सुविधा हो वहां पे आप खोल सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको एक लिंक टाइप करना है www.futuregroup.in। बेसिकली ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी जाकर आप इसको खोल सकते हो। ये बिग बाजार का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है भैया। अब दोस्तों जैसे ही आप उसको खोलोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो बेसिकली आपको करियर पे क्लिक करना है और सबसे नीचे आना है। तो नीचे आप देख सकते हो टू अप्लाई टू करेंट ओपनिंग लिखा हुआ है, इस पे बेसिकली आपको क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। क्लिक हेयर पे जैसे क्लिक करोगे दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ से आप जॉब को चूज कर सकते हो कौन सा जॉब चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे मैं सेल्समैन का जॉब करता हूँ और यहाँ पे आप अपना लोकेशन भी डाल सकते हो कि आपको कहाँ पे जॉब चाहिए। उसके बाद आप सर्च कर दो। तो दोस्तों सर्च करोगे तो देख सकते हो यहाँ पे दो जॉब अभी आ चुके हैं जो कि बिग बाजार में अभी दो जॉब मतलब दो जगह खाली हैं। तो बेसिकली उसका पूरा डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा किस तरह का जॉब है, क्या क्या करना होगा। तो बेसिकली उसको अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको अपना लॉग इन करना होगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपको सिग्न अप पहले कर लेना है। सिग्न अप करोगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी देना होगा। तो ईमेल आईडी बेसिकली मैं डाल देता हूँ MK, आपका जो ईमेल आईडी हो दोस्तों वो आप इसमें डाल देना। ज़्यादा टेंशन ये थोड़ा सी बड़ी हो सकती है वीडियो दोस्तों, तो आप लेकिन पूरा देख लो क्योंकि बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे रहा हूँ बिग बाजार में ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। आपको बिग बाजार से आके चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से अप्लाई करोगे उधर से कॉल आएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको पासवर्ड डालना है। पासवर्ड में याद रखिएगा दोस्तों एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर और एक अल्फाबेटिकल होना चाहिए और एक सिंबल टाइप का होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ आपको अपना नाम डालना है जो आपका नाम है। तो बेसिकली मेरा नाम आशीष है तो मैं आशीष डाल लेता हूँ। आशीष में आपका फर्स्ट नेम डालिएगा भैया वो कैपिटल लेटर में। और बेसिकली उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है, जो आपका मोबाइल नंबर हो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करवा दीजिएगा। और यहाँ पे आप लास्ट नेम आपका जो हो या फिर मिडिल नेम हो तो मिडिल नेम भी अलग से एक ऑप्शन दिया हुआ है वहाँ डाल सकते हो। तो बेसिकली मेरा मिडिल नेम नहीं है, मेरा आशीष कुमार नाम है। उसके बाद दोस्तों आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। डेट ऑफ बर्थ में याद रखिएगा दोस्तों आपका 18 साल हो तभी आप डालना, अदरवाइज मत डालना, ठीक है। अब दोस्तों सबसे मेन चीज़ होगी अगर आप चाहते हो कि इस तरह का जॉब का नोटिफिकेशन आपके पास आए तो बेसिकली इस पर क्लिक कर दो। अब मेन हो गया भैया रिज्यूम। तो यहाँ पे रिज्यूम में भैया आपको PDF में रिज्यूम डालना होगा। तो बेसिकली रिज्यूम बनाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप ऑनलाइन रिज्यूम कैसे बना सकते हो PDF में, वो भी बिल्कुल फ्री अपने फ़ोन से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया हूँ, उससे आप जाकर देख सकते हो उस वीडियो को। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने अपना रिज्यूम सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। भैया हो रहा है सबमिट। सबमिट होने के बाद दोस्तों कुछ अलग तरह का एक और पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना है कि आपको जॉब कौन से लोकेशन में चाहिए, कौन से कंट्री में चाहिए, करेंट स्टेट कौन सा है, आपका पिन कोड क्या है वगैरह वगैरह आपको देना हो। तो बेसिकली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं बिहार से हूँ तो बेसिकली मैं बिहार सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप भी भैया आप भी जो स्टेट से हो, जो मतलब कि कंट्री से हो, जो जिला से हो वो आप सेलेक्ट कर लो यहाँ पे। उसके बाद दोस्तों मैं करेंट स्टेट भी अपना सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे दोस्तों मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ लोकेशन और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ पिन कोड। आपका जो पिन कोड हो वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करवा देना। और यहाँ पे अगर आप चाहते हो रीलोकेशन करना मतलब कि लोकेशन बदलवाना भी चाहते हो तो यस या नो कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों आपको अपना करेंट एड्रेस देना। तो बेसिकली मैं अपना करेंट एड्रेस जो अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ, जहाँ पे मैं अभी पोस्टेड हूँ, वो मैं आपको डाल देता हूँ यहाँ पे।
अब दोस्तों आपको तीसरा चीज आएगा, तीसरा भरने के लिए आएगा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी डिग्री मिल जाती है, आप इंटर की हो तो इंटर डाल सकते हो, टेंथ की हो टेंथ डाल सकते हो, एमबीए की हो एमबीए डाल सकते हो, कॉलेज का नाम आपको डाल देना है। उसके बाद मंथ ऑफ ईयर और पासिंग डालना बहुत मैंडेटरी है कि आपने कौन साल में पास किया था, कौन से ईयर में, कौन से महीने में। तो दोस्तों वो भी मैं आपको यहाँ पे डाल देता हूँ। बगल में आपको ग्रेड भी डाल देना दोस्तों कि आपने कौन से ग्रेड से पास किया, ए बी सी या डी, जो हो आपका ग्रेड वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करवा दीजिएगा। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस, आपने कहीं पे जॉब किया तो वो एक्सपीरियंस भी इसमें डाल सकते हो। तो बेसिकली अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो बेसिकली इसको आप बिल्कुल छोड़ दो, इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर है नहीं भी है तो थोड़ा बहुत डाल सकते हो यार, ऐसा कुछ नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कंप्यूटर का नॉलेज है वो भी डाल दो कि मैंने डाटा एंट्री का काम किया, ऐसा कुछ नहीं है। तो बेसिकली मेरे पास 4 साल का एक्सपीरियंस है तो वो मैं आपको डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है डेट कि आपने कब ज्वाइन किया था और आपने कब तक जॉब किया, ठीक है। तो वो यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना। तो बेसिकली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कि मैंने कब बिग बाजार ज्वाइन किया था। तो बेसिकली भैया मैंने किया था जून 2014 में और मेरे जो स्टोर मैनेजर थे वो थे संतोष यादव जी। और भैया यहाँ पे आपको सारा चीज़ लिख देना है। यहाँ पे आपको नोटिस पीरियड भी होता है दोस्तों, अगर आप बिग बाजार छोड़ते हो तो 30 दिन का नोटिस पीरियड देना होता है, फिर कोई भी जॉब छोड़ते हो तो बेसिकली आपको 30 दिन का लिख देना है। यहाँ पे आपको सैलरी लिख देनी है। और भैया आप रोज छोड़ना क्यों चाहते हो जॉब, ये लिखना। तो बेसिकली ज़्यादातर लोगों को लिखना चाहिए कि सैलरी इंक्रीजमेंट के लिए सैलरी वहाँ पे कम मिली थी, मुझे ज़्यादा सैलरी चाहिए क्योंकि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा है। तो बेसिकली आप सबमिट कर दो। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों इस तरह का एक ऑप्शन आ गया। देख लो आपका जो एप्लीकेशन था रिज्यूम था वो सबमिट हो गया। यहाँ पे आपको टिकट आईडी, तो बेसिकली इस टिकट आईडी को आप कॉपी कर लो, कॉपी करके आप कहीं भी लिख सकते हो या फिर कहीं भी सेव कर लो। उसकी भी उधर से कॉल आएगा तो आपसे टिकट आईडी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, आप भी जान गए होंगे कि बिग बाजार में कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना चाहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो एक बड़ा सा लाइक ठोक देना, और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहूँ, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।